चलिए दोस्तों, अब हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है रेफ्रिजरेंट्स, यानी कि शीतलक। ठीक है, अब ये होते क्या हैं आप सब जानते हैं। पहले मैं बता दूं इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि शीतलक क्या होता है, किस तरह से काम करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके डेजिग्नेशन। हालांकि डेजिग्नेशन बाद का टॉपिक है, परंतु मैं यहाँ पर आप लोगों को पहले करवा रहा हूँ डेजिग्नेशन। ठीक है, डेजिग्नेशन दो प्रकार से होता है कि यदि जो आपके रेफ्रिजरेंट हैं वो पहली बात तो क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए किस तरह से डेजिग्नेशन दिया जाता है। ये मैं इसलिए पहले करवा रहा हूँ क्योंकि आगे जब मैं आपको डिफरेंट टाइप के रेफ्रिजरेंट पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं दोबारा से प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट वापस से स्टार्ट करवा रहा हूँ, तो आपको इस चीज़ का आइडिया रहेगा कि अगर मैंने R12 लिखा हुआ है या R22 लिखा हुआ है तो आप उससे उसके ओरिजिनल नेम के पीछे कैसे पहुंचेंगे। तो ये आपको आइडिया जो है हो जाएगा। और एक बहुत बेसिक छोटा सा फॉर्मूला है, जो बच्चे पुराने हैं उन्होंने REC पढ़ी है, और वहाँ पर मैंने रेफ्रिजरेंट नाम का जो चैप्टर था, शीतलक नाम का चैप्टर था, वो करवाया था। और बेसिकली यही चीज़ें करवाई थी, इसके साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो थी उसकी करवाई थी, और कौन कौन से रेफ्रिजरेंट है, कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, वो आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओजोन डेप्लीशन जो होता है आपका, यानी कि ओजोन परिरक्षण बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो उसके अंदर क्या होता है, क्या रीज़न है ऐसा जो हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन को अब यूज़ नहीं करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को पहली बार कब यूज़ किया गया था, पहला रेफ्रिजरेंट कौन सा यूज़ किया गया था दुनिया के अंदर, उसके बाद कौन कौन से रेफ्रिजरेंट जो थे वो इंट्रोड्यूस हुए। ठीक है, और इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कब बैन किया गया, क्यों बैन किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो आपका चैप्टर थोड़ा सा जो है थियोरेटिकल बेसिस पे चलेगा और 2 घंटे का चैप्टर होगा। टेंटेटिवली मैं आइडिया देता हूँ आपको, 2 से 2.5 घंटे के बीच में ये चैप्टर विद क्वेश्चंस आपका खत्म हो जाएगा। और कोशिश रहेगी कि क्योंकि ज़्यादा पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है तो इससे भी जल्दी कवर हो जाए। अब बात करता हूँ पुराने टॉपिक्स की, जो मैंने पुराना था अपना कंप्रेसर। कंप्रेसर के अंदर मैंने आपके रेफ्रिजरेंट जो थे वो छोड़े थे, वो रेफ्रिजरेंट मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। कौन कौन से छोड़े थे, यही छोड़े थे मैंने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन था, अमोनिया था, जो ये इस तरह के रेफ्रिजरेंट थे वो 4-5 थे जो मैंने छोड़ दिए थे। तो वो सारे के सारे रेफ्रिजरेंट मैं जो है यहाँ पर आप लोगों के साथ कवर करने वाला हूँ। आपके लिए मैं वापस उनके नाम बता देता हूँ, कौन कौन से रेफ्रिजरेंट मैंने छोड़े थे। एक सेकंड रुकिएगा, कंप्रेसर के अंदर नहीं था शायद, उसके अंदर था, रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर होगा, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेशन। इससे पहले उपकरण आए थे, उपकरण से पहले आपके आए थे, हाँ किसी चैप्टर में तो छोड़े थे, मुझे खुद को याद नहीं आ रहा, बेसिक रेफ्रिजरेशन में था या रेफ्रिजरेटर प्रणाली के अंदर था, हाँ रेफ्रिजरेटर के अंदर था। जैसे कौन कौन से थे, अमोनिया था, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रियॉन 11, फ्रियॉन 12, फ्रियॉन 13, 14, 15, 14, 21, 22, 113, 114, मिथाइल क्लोराइड, जल और वायु। ये जो 4-5 थे ये छोड़े थे, तो ये भी मैं इसी चैप्टर के अंदर क्या कर दूंगा, कवर कर दूंगा दोस्तों। तो अब बात करते हैं कि वॉट इज रेफ्रिजरेंट। पहला सवाल यही उठता है कि शीतलक होता क्या है, वॉट इज रेफ्रिजरेंट्स। भाई शीतलक कोई एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है या रासायनिक पदार्थ है जो रेफ्रिजरेटर प्रणाली के अंदर हीट ट्रांसफर का कार्य करता है या ऊष्मा स्थानांतरण का कार्य करता है, उसे क्या कहा जाएगा, शीतलक कहा जाएगा। ये क्या करता है, इवेपोरेटर के अंदर ये जो खाद्य पदार्थ हैं या स्टोरेज स्पेस है वहाँ से ऊष्मा को एक्सट्रैक्ट करता है, खींचता है, बाहर निकालता है, या कह सकते हो वहाँ से ऊष्मा को ग्रहण करता है और कंडेंसर के अंदर जाके ऊष्मा को छोड़ देता है। क्या कहलाता है, रेफ्रिजरेंट कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखे है कि शीतलक वह रासायनिक पदार्थ है जो रेफ्रिजरेटर प्रणाली के अंदर किसके लिए यूज आ रहा है, ऊष्मा स्थानांतरण के लिए यूज में आ रहा है, उपयोग में आ रहा है। और दूसरा लिखे कि यह इवेपोरेटर से ऊष्मा को अवशोषित करता है और कंडेंसर के द्वारा ऊष्मा को निकास या बाह्य वातावरण में छोड़ देता है। ठीक है, और यह एक ऐसा पदार्थ होता है जो ऊष्मा को ग्रहण करके जल्दी से जल्दी तरल से वाष्प के अंदर परिवर्तित हो जाए और ऊष्मा का त्याग करके जल्दी से जल्दी या तुरंत प्रभाव से वाष्प से किसके अंदर परिवर्तित हो जाए, तरल के अंदर परिवर्तित हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ होती है।
जो रेफ्रिजरेंट के लिए यूज में आती है। अब जो रेफ्रिजरेंट के रूप में हमने सबसे पहले जो यूज किया था वो क्या किया था, पहले लेक्चर के अंदर मैंने बता दिया था कि हमने आइस का, बर्फ का यूज किया था, जो आपकी नेचुरल आइस थी उसका हमने यूज किया था एज अ रेफ्रिजरेंट। हम क्या करते थे, प्राकृतिक बर्फ को लाते थे, उसको संरक्षित करते थे और वहां पर चीजों को रख दिया जाता था प्राकृतिक बर्फ में, क्योंकि पहले आपके पास कृत्रिम बर्फ नहीं होती थी। पहले के लोग ठंडा पानी नहीं पीते थे, मटके से ही पानी पीते थे, ठीक है। तो ये काम हम किया करते थे। इसके पश्चात एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम परकिंस, ठीक है। तो उन परकिंस नाम के जो वैज्ञानिक थे, परकिंस नाम के वैज्ञानिक ने बर्फ की प्रॉपर्टी देखी, भाई ये पानी तो है ये किसके अंदर है, आपकी सॉलिड स्टेट के अंदर है ये पानी, तो भाई इसके अंदर ऐसे कौन से गुण हैं और किसी पदार्थों के अंदर पाए जा सकते नहीं जा सकते। तो 1834 ईस्वी के अंदर ईथर को उन्होंने सबसे पहले किस में यूज किया था, रेफ्रिजरेंट के यूज में, रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज किया, किसको, ईथर को 1834 में। और उसके बाद कौन कौन से रेफ्रिजरेंट आपके मार्केट में आते गए, उसके बाद 1875 में एथिल क्लोराइड और अमोनिया और 1878 में मेथिल क्लोराइड एवं 1881 में कार्बन डाइऑक्साइड आदि का प्रयोग होने लग गया। तब तक जो आपकी ड्राई आइस वाला रेफ्रिजरेंट प्रणाली थी वो आ चुकी थी। तो आप लिख सकते हैं कि भाई 1834 के अंदर ईथर का उपयोग हुआ, 1834 के बाद 1875 के अंदर एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड एवं एंड अमोनिया, एथिल क्लोराइड एंड अमोनिया इनका यूज होने लग गया था, एवं अमोनिया लिख देना यहाँ पे। और उसके बाद जो आपका सीजन आया 1881 का, तो 1881 के अंदर आपने, सॉरी 1878 का, 1878 में आपने यूज कर लिया मेथिल क्लोराइड का, मेथिल क्लोराइड का। और उसके बाद 1881 में आपने यूज करने लगे कार्बन डाइऑक्साइड, 1881 में आप कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने लग गए, ठीक है। तो आजकल जो है रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशनिंग में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और अमोनिया कार्बन आदि रेफ्रिजरेंट का प्रयोग किया जा रहा है। और मैं आपको याद दिला दूं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो थे उनको अभी हमने क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो ओजोन परत पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते थे। ओजोन परत का जो छेद होता है उसके अंदर, ओजोन परत है ना अपने ऊपर, पृथ्वी के ऊपर ऊपर एक परत है जिसको ओजोन परत कहा जाता है, ओजोन गैस की परत होती है। तो वो लोग क्या काम कर, भैया ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, उसको पतला कर देते हैं, छेद तो नहीं करेंगे, गैस है तो पतला कर देते हैं। एक बार बताइए आप हवा के अंदर छेद कर सकते हो क्या, इट इज इट पॉसिबल कि आप हवा के अंदर ड्रिल मशीन लाके छेद कर दोगे, नहीं। किसी गैस के अंदर छेद, पानी के अंदर छेद कर सकते हो, लिक्विड फॉर्म के अंदर, पानी था, पानी को पेन डाला, छेद हो गया, हटाया तो अब उसके आसपास छेद नहीं। तो मतलब ये होता है कि आप वहाँ से क्या कर सकते हो, पानी को निकाल दिया आपने तो अब पानी का स्तर कम हो जाएगा, डेंसिटी उसकी कम हो रही है, पानी की तो नहीं हो रही पर गैसेस के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप ये क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं उसके साथ रिएक्शन करते हैं ओजोन के साथ और उसकी डेंसिटी को कम कर देते हैं, पतला बना देते हैं उसकी लेयर को, पतला बनने के कारण पराबैंगनी किरणें सीधी आती हैं और आपको अलग अलग तरह के स्किन कैंसर्स वगैरह जो हैं वो गिफ्ट में मिल जाते हैं। नेचर का गिफ्ट होता है वो आप लोगों के लिए। इसके अलावा भी यूवी जो रेज हैं आपके लिए वो काफ़ी हानिकारक होती हैं, ठीक है। तो अभी जरा मैं बात करता हूं आपका डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट की। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट जो है वो किस तरीके से निकाला जाता है, उसके बाद मैं डायरेक्ट चलूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट पे और फिर अपने आ जाएंगे रेफ्रिजरेंट कौन कौन से यूज कर रहे हैं। तो आपको पहले थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं और क्या क्या चीजें जो है नहीं आ रही हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट या रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेंट का शीतलकों का नामकरण, टॉपिक डालिएगा। डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, तो इसके अंदर दो प्रकार के रेफ्रिजरेशन आते हैं। पहला कि इफ द रेफ्रिजरेशन इज या इफ द रेफ्रिजरेंट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, If the refrigerant is saturated hydrocarbon, मतलब कि यदि refrigerant
संतृप्त हाइड्रो कार्बन है। देखिए दोस्तों, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से मिले जो यौगिक होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। सवाल ये उठता है कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्यों जुड़ता है? देखिए, कार्बन को सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन जब मिलता है जब कार्बन की जो वैलेंसी 8 हो, ठीक है, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ? इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ, क्या पड़ा हुआ हो? इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ, परंतु मतलब उस वक्त उसकी स्टेबिलिटी भी आ रही है, परंतु कार्बन के पास वैलेंसी 4 ही होती है मैक्सिमम, तो वो क्या करता है, दूसरे कार्बन यौगिक के साथ या हाइड्रोकार्बन के साथ क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है, बंध बना लेता है, और बंध बना के स्टेबल होने की कोशिश करता है। क्या करेगा? बंध बनाएगा, स्टेबल होने की कोशिश करता है। यदि यह कार्बन तो हाइड्रोजन के साथ या दूसरे कार्बन के साथ एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड में जुड़ता है तो इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा, और यदि ये एकल बंध से ज़्यादा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मतलब कि द्विबंध एवं त्रिबंध बनाता है तो इसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, फर्क समझ रहे हो दोनों के अंदर? एक तरफ क्या हो रहा है, एकल बंध है, दूसरी तरफ क्या है, आपका द्विबंध है। तो यहाँ पर हम ये सब चीज़ें नहीं पढ़ने वाले हैं, बेसिकली यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, आर एम माइनस वन, ये माइनस नहीं है, ये आता है जो डैश होता है ना, ये वो वाला, जैसे अभी आप पढ़ोगे R112, आपने अभी मैंने बताया था ना आपको रेफ्रिजरेंट होते हैं, जैसे R22 है रेफ्रिजरेंट, इस तरह से इसको R22 पढ़ते हो आप या R22 पढ़ते हो, R22 तो नहीं पढ़ते ना, R22 किस तरह से पढ़ा जा रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है R-22, अगर मैं लिख रहा हूँ R11 तो R-11 थोड़ी है, अगर मैं लिख रहा हूँ R113 तो इसका मतलब R-113 नहीं है, ये क्या है, R रुकते हो आप उसके बाद 113, तो वही चीज़ है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है R(m-1n+1)P। अब करना क्या होता है आप लोगों को, जैसे मान लिया आपके पास आ गया R113, ठीक है, ये आपके पास एग्जांपल आ गया कि इसका आपको डेजिग्नेशन देना है, इसका ओरिजिनल केमिकल नेम क्या है, तो आप क्या करोगे, M-1 की जगह 1 रखा, मतलब इस प्रकार से कि M-1 विल बी इक्वल्स टू 1, N+1, भाई आपको सिर्फ प्लेस देखना है, जो प्लेस है ना, जो स्थान बराबर है उनके आपको क्या रखना है, इक्वल रखना है। ठीक है, जैसे M-1 की जगह 1 आ गया, N+1 की जगह क्या आ गया, 1 आ गया, और P की जगह क्या आ गया, 3 आ गया। यहाँ से आपको किसकी, M, N और P की वैल्यू मिल जाएगी। जब आपको M, N, P की वैल्यू मिल जाएगी तो आपके पास एक और फॉर्मूला आता है, और वो फॉर्मूला होता है N+P+Q विल बी इक्वल्स टू 2M+2। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, M की वैल्यू पता है, P की वैल्यू पता है, N की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है। जैसे आप Q की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे तो आपके पास जो फॉर्मूला आता है CHFCl होता है, और उनके सफिक्स में लगा हुआ होता है, नीचे की तरफ सबस्क्रिप्ट में लगा हुआ होता है CMHNFP and ClQ, ये लगा हुआ होता है। मान लिया जाए आपके MNPQ की वैल्यू कुछ इस प्रकार से आ गई, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3 और Q आ गया 1, इस प्रकार से आ गया, तो किस तरह से लगाया जाएगा, C1H2F3Cl, तो क्या हो जाएगा, CH2F3Cl, ये CH2F3Cl, ये हो जाएगा किसका नाम, रेफ्रिजरेंट का नाम। तो इसी तरह से अगर कोई संतृप्त हाइड्रोकार्बन आ जाता है, कैसे पहचानो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अगर आपसे R के फॉर्म में इस फॉर्म के अंदर केमिकल नेम पूछा गया है, ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से पहचानोगे कि भैया ये क्या आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिसका ओरिजिनल नेम आप लोगों से पूछा गया है कि इसका रासायनिक नाम जो होगा वो क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको बेसिकली करना क्या है, ये स्टेप फॉलो कर रहे हैं जो मैं वापस लिख रहा हूँ, स्टेप तो मैंने आपको समझा दिए, जो तीन बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद रखने हैं, क्या क्या है लिखना है, R ये लिखें आप लोग, M-1 N+1 P, उसके बाद क्या आ जाएगा, N+P+Q इक्वल्स टू 2M+2, और लास्ट में क्या हो जाएगा, CMHNFPClQ। ठीक है, ये याद करना। अब चलो इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और उनके नाम निकालते हैं, नाम किस किस प्रकार से निकाले जाएंगे, ठीक है, 3-4 देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे करता हूँ, R11 का, आप लोगों के पास इस क्वेश्चन के लिए
दो मिनट का टाइम है, दो मिनट में क्वेश्चन करो, जल्दी से करो। कैसे करोगे मैं बताता हूं अभी आपको, आपके मेथड से, ठीक है, कैसे करना है ना। आर वन वन दे रखा है, फॉर्मूला क्या था, आर एम माइनस, जितना ज्यादा फॉर्मूला को लिखोगे ना उतना पेन को याद हो जाएगा, ध्यान रखना बच्चों, जितना लिखोगे। तो क्या हो गया, वन हो गया, एम माइनस वन इक्वल्स टू वन, ठीक है, एन प्लस वन इक्वल्स टू वन। अब पी की जगह कोई वैल्यू तो दे ही नहीं रखी, तो पी की वैल्यू क्या हो गई, पी इज इक्वल्स टू जीरो हो गई। एम माइनस वन की वैल्यू निकाली, एम वन इधर गया, क्या आ गया, टू आ गया। एन वन प्लस वन, अब एन इधर पे जाएगा, माइनस का हो जाएगा, जीरो कट गया, तो एन की वैल्यू भी जीरो है और पी की वैल्यू भी जीरो है। तो अब फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या लगाओगे, एन प्लस क्या लगाओगे, पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू टू एम प्लस टू। एन की वैल्यू जीरो, पी की वैल्यू जीरो, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू, एम की वैल्यू कितनी थी, टू थी, प्लस टू, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, फोर प्लस टू, क्यू की वैल्यू आ गई सिक्स। तो आप क्या लगा दोगे, आप जो फॉर्मूला बनेगा आपका क्या बनेगा, सी, सी के आगे क्या था, एम एच एन एफ पी और सी एल क्यू, यही तो बना है ना। तो देखिए, एम की वैल्यू सी टू थी, एच जीरो था, एफ पी, पी जीरो था, एन जीरो था, पी जीरो था, हटा दो और सी टू सी एल सिक्स आ गया आपका रेफ्रिजरेंट। और जैसे ही आप इसको टिक करोगे आपको मिलेगा बोनस माइनस वन का, या जो भी आपकी नेगेटिव मार्किंग हो, ये बोनस मैं गारंटी के साथ मैं आपको लिख के देता हूं, मैं आपको ये बोनस दिलवा के रहूंगा। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसीलिए गलत किया है ताकि आप ये गलती ना करें। अगर अभी आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं डेफिनेटली आपसे ये क्वेश्चन करवाता और 90% बच्चे इसको गलत करते, ये मैं लिख के दे सकता हूं। जिन्होंने पहले पढ़ रखा है बच्चों ने, उनको छोड़कर 90 से ज्यादा बच्चे, 95% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते। समझ में आया, ये गलत क्यों है, ये बोनस क्यों मिल रहा है आपको माइनस वन का, ये बोनस इससे मिल रहा है अगर आपको कोई बोलता है कि ये 11 रुपए हैं तो आप इसको क्या लिखोगे, 110 या 11,000 या 11 करोड़ या 11 लाख, कितने, 11 लाख, 11 करोड़, 11 अरब, 11 खरब, कुछ भी लगा सकते हो आगे, जितने चाहो उतने जीरो लगा सकते हो क्या, नहीं लगा सकते। परंतु यदि कहीं पर एक लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ, उसके पहले, मतलब पीछे तो नहीं लगा सकते, उसके पहले तो आप जितने चाहो उतने जीरो लगा सकते हो ना, क्योंकि इन जीरो का कोई अस्तित्व नहीं है भाई, जीरो का कोई अस्तित्व तो नहीं होता। जीरो किसी ने देखा है क्या, आप में से किसी ने जीरो देखा हो तो मुझे बताना, मुझे भी देखना है जीरो क्वांटिटी कितनी होती है। एक काम करना, दुकान से जाके कोई जीरो चीज खरीद के लाना, कि मुझे जरा जीरो मूवी की बात नहीं कर रहा जो आने वाली है, मैं बात कर रहा हूँ कि हाँ मुझे जरा जीरो किलो सोना देना। आप जीरो किलो सोना खरीद सकते हैं, आप जीरो किलो प्लेटिनम खरीद सकते हैं, आप जो चाहे ना जीरो किलो आप वाइब्रेनियम मार्बल वाला वो भी खरीद सकते हैं, कि जीरो सब दे देंगे आपको, पर लाओगे क्या, जीरो मतलब कुछ नहीं, जिसका अस्तित्व नहीं है तो हटाओ जब इनका अस्तित्व ही नहीं है तो। परंतु यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट थी, तो पीछे जीरो नहीं लगाना दोस्तों, आगे जीरो लगता है ऐसी जगह पर। आप 11 को 110 नहीं बना सकते, पर उसको आप 011 जरूर लिख सकते हो, समझ रहे हो, ठीक है। तो आर 11 इज इक्वल्स टू आर 011। अब जो बना आपका वो क्या बना, आर एम माइनस वन एन प्लस वन और पी। अब एम माइनस वन की वैल्यू आई है जीरो, एन प्लस वन की वैल्यू आई है वन और पी की वैल्यू आई है वन। तो अब यहां से जब आपने निकाला तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई, एन की वैल्यू कितनी आ गई, ये प्लस वन था वहां पे गया, जीरो हो गया और पी की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई, ठीक है। एम इज इक्वल्स टू वन, एन इज इक्वल्स टू जीरो, पी इज इक्वल्स टू वन। अब आपने लगाया फॉर्मूला एन प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू टू एम प्लस टू, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी थी, जीरो थी, पी की वैल्यू कितनी थी, वन थी, क्यू की वैल्यू कितनी थी, निकालनी थी, टू एम, एम की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, वन आ रही है, ठीक है, और साथ में टू, तो क्यू की वैल्यू कितनी आई, टू प्लस टू फोर, फोर माइनस वन थ्री, क्यू की वैल्यू आ गई कितनी, थ्री। तो अब आपके पास एम भी है, एन भी है, पी भी है और क्यू भी है, तो अब लगाओ इस फॉर्मूले के अंदर सी एच एफ सी एल। सी के नीचे क्या आएगा, एम आएगा, एम की वैल्यू कितनी है, वन है, एच की वैल्यू जीरो है, एफ की वैल्यू कितनी आई थी भैया, एफ के आगे क्या आया था, सॉरी एम था, एन था, हाँ, एफ के आगे क्या था, पी, पी की वैल्यू वन है और इसकी वैल्यू थ्री है, तो ये क्या बना, सी एफ सी एल थ्री,
यह है इसका असली नाम। और अगर आप ये करोगे तो आपको पॉजिटिव में 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क जितने हैं वो मिल जाएंगे। तो ये मिस्टेक्स कतई भी नहीं करनी है, कभी भी जिंदगी में ऐसी मिस्टेक्स ना कीजिएगा जिन मिस्टेक्स पे आपको बोनस मार्क्स मिले। और एक चीज़ और है, क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस पे आप श्योर नहीं हो उन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में छोड़ने की आदत डालो। बहुत गलत बात नहीं कह रहा, सही बात कह रहा हूँ, पहले भी समझाई हुई है। अब ये आंसर की आई है CBT 1 की, लोको पायलट की, तो ज़्यादातर बच्चे बहुत सही सवाल करके आए थे और माइनस मार्किंग की वजह से उनके नंबर जो हैं 28 आ रहे हैं, 19 आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं। तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस चीज़ का कि यार इन बच्चों ने सही सवाल किए थे, क्यों ज़बरदस्ती सारे अटैम्प्ट कर दिए। मेरा खुद का एक दोस्त है, वो भी लोगों की तैयारी कर रहा है, दिल्ली में है वो, तो उसके भी फ़ोन आया था, उसने बोला कि भाई मेरे नंबर जो हैं 28 आ रहे हैं और मैं करके जो आया था लगभग 45 क्वेश्चन समथिंग करके आया था, और उसके अंदर कुछ ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मैंने लास्ट के 8 मिनट के अंदर मैंने तुक्के तुक्के के अंदर पता नहीं कितने बता रहा था वो 10 क्वेश्चन समथिंग कर दिए थे, 10 या 15 क्वेश्चन कर दिए थे और कुछ उसके भी गलत हो गए। तो ऐसे मिला के उसके बेचारे के 28 मार्क्स आ रहे हैं और वो बिल्कुल है भाई 40% तो उन्होंने मिनिमम मांगा है रेलवे ने कि 40% पे तो कट ऑफ जानी ही चाहिए। फिर भी देखो किस्मत है, क्योंकि अभी जो कुछ जैसा आप जानते हो CBT 1 के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस गलत भी आए थे, तो उसकी नॉर्मलाइजिंग ऐड होगी, उसके बोनस मार्क्स आपके ऐड होंगे। ये रेलवे ने आश्वासन तो दिलवाया है परंतु पता नहीं करेगा या नहीं करेगा, हमें नहीं पता इस चीज़ के बारे में, ना मैं कुछ बोल सकता। आपको तो अपने बेसिक मार्क्स पर टिके रहना है, इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों जो क्वेश्चन आए सिर्फ उसी ही कीजिए जिसमें आपको लगे ना शायद इसका जवाब डी होना चाहिए, तो उस को कदापि नहीं करना, चाहे कुछ हो जाओ मत करना, करोगे नहीं होगा सिलेक्शन। जिसमें आप श्योर हो 100% कि हाँ इसका आंसर डी होगा उसी को टिक करो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस छोड़ने के लिए भी बने होते हैं दोस्तों। ये मैं बहुत प्रैक्टिकल फॉर्म, प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ, कोई थ्योरेटिकल बात इस तरह की नहीं कह रहा कि आप जो है आसमान तोड़ दो और पहाड़ तोड़ दो और चांद तारे उतार के ले आओ। मेरे को ऐसी बातें ज़्यादा पसंद भी नहीं है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एक्यूरेसी से करना है, ध्यान रखना एक्यूरेसी से करना है। सारे सवाल करने वाले का कभी सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आप एग्जाम में टॉप करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप सारे सवाल करें, तो दोस्तों पहले उसके बराबर आप क्या करें, मेहनत करें कि आप सारे सवाल कर पाएं, समझ रहे हो ना। तो उसके बराबर आपको क्या करनी है, पहले मेहनत करनी है। ये इसलिए बताया अभी क्योंकि ऐसी गलतियाँ होती ही होती हैं, ठीक है। और आपके आरएसी का टॉपिक है, उसमें तो पक्का आएगा ये सवाल, देख लेना, एक ना एक सेट में मिल जाएगा या सभी सेट में भी मिल सकता है। ऐसे सवाल बहुत फेवरेट होते हैं इन लोगों के, मज़ा आता है इनको करवाने में। दूसरा देखो एक और सवाल, R12, अब तो गलत नहीं करने वाले आप। क्वेश्चन R12, अब तो ये एक सेकंड में कर दोगे, 10 सेकंड में क्या हो गया, M-1 is equals to 0, N+1 is equals to 1 और P is equals to क्या हो गया, 2 हो गया। तो M की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, N की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, P की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, N+P+Q is equals to 2M+2, ठीक है। तो N की वैल्यू अब यहाँ पे आपको बताती 0 है, P की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, Q 2 इंटू एम की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, प्लस 2 आई है, तो मतलब वही क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 2 और 2 4, 4 माइनस 2 2 आ गई, लगाओ CHFCL, एम की वैल्यू 1, एच की वैल्यू यानी एन की वैल्यू 0, पी की वैल्यू 2, सी एल की, तो ये क्या आ गया, CF2CL2 आ गया, CF2CL2 सही जवाब है आपका CF2CL2, ठीक है। अब एक और देख लीजिए, R134 का निकालिए, चलो आप लोग निकालेंगे R134, अब यहाँ पे क्या करना है, अब जीरो मत लगाना, ऐसी गलती मत करना कि अब इसको आप R0134 करें, ऐसा नहीं करना है, ऑलरेडी 3 डिजिट दे रखी हैं, ठीक है, वो 2 डिजिट वाला था, तो इसके आगे जीरो मत लगाना। R134 मतलब 134, M-1 = 1, N+1 = 3, P = 4, M-1 का इधर 1 गया क्या हो गया, प्लस का M2, N की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, लगाओ फॉर्मूला N+P+Q = 2M+2, N की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, P की वैल्यू 4 दे रखी है, ठीक है, Q की वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है, ठीक है, 2M, 2 into 2
प्लस टू, ठीक है, तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दो दूनी चार, चार दो छः, ठीक है, और चार और दो ये कितना है छः, तो q की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, ज़ीरो आ गई, कितनी आ गई ज़ीरो, तो लगा दो सी एम एच एन एफ पी सी एल क्यू, तो सी एम की वैल्यू टू, एच की वैल्यू टू, एफ की वैल्यू फोर, सी एल की वैल्यू ज़ीरो, तो इसका क्या आएगा सी टू एच टू एफ फोर, सी टू एच टू एफ फोर, और ये जो आपका आर 134 है इसको क्या कहा जाता है, इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट कहा जाता है, इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि Cl यानी क्लोरीन इसके अंदर जीरो है, और ओजोन लेयर को खराब करने का ठेका ऊपर वाले से किसने उठाया है, क्लोरीन ने उठाया है, तो यहाँ पे हमने ठेकेदार को एलिमिनेट कर दिया, इसलिए इस रेफ्रिजरेंट को क्या कहा जाता है, इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट कहा जाता है। अब जरा नोट लिखें एक इसी के बारे में थोड़ा सा, एक चीज अगर आप चाहें तो नोटिस कर सकते हैं, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, अब तो आप खुद ही निकाल लेंगे, सारी चीजें खुद ही निकाल लोगे ना आप, तो एक चीज आप देखना, जो R11 था उसके अंदर Cl3 था, R12 Cl2 हो गया, R22 निकालोगे तो Cl क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और R134 निकाला तो Cl क्या हो गया 0 हो गया, तो ये भी कह सकते हो अगर आप क्रम के अंदर बढ़ रहे हो, पर चलिए छोड़िए वो कोई प्रूफ वाली बात नहीं, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा उस चीज को, आप नोट लिखें पहले, नोट पढ़ोगे तो नोट मिलेंगे बहुत सारे, तो नोट ये है कि R134 इज नोन एज इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरीन, R134 को इको फ्रेंडली या पर्यावरण प्रेमी, पता नहीं क्या बोलते, मुझे नहीं पता, ठीक है, तो मैं तो इको फ्रेंडली ही लिख रहा हूं, इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट कहा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन अनुपस्थित होता है, और इसको मोस्ट ऑफ द यूज भी करते हैं, द क्लोरीन एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन द कॉमनली यूज रेफ्रिजरेंट अटैक्स ओजोन लेयर विच इज सिचुएटेड इन द स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर जानते हो आप, अपने ऊपर बहुत सारे स्पेयर्स होते हैं, तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है, स्ट्रेटोस्फेयर उसके अंदर क्या होता है, ओजोन लेयर होती है, उस ओजोन लेयर पे ये क्लोरीन जो है ना, ये क्लोरीन ही जाके क्या करता है, स्ट्रेटोस्फेयर पे अटैक करता है, ठीक है, और इसके अटैक करने से ओजोन लेयर जो है वो पतली हो जाएगी और हार्मफुल यू, चलो मैं अभी आगे बताऊंगा, क्योंकि पूरा आईटीआई बेसिस पे पूरा का पूरा टॉपिक है बड़ा ये वाला, ओजोन संरक्षण नियम भी पढ़ाने पड़ेंगे आपको, ओजोन संरक्षण नियम कौन कौन से होते हैं तो वो भी पढ़ाऊंगा, तो इतना समझ लीजिए, ये क्या करते हैं, क्लोरीन एलिमेंट ओजोन के साथ रिएक्शन करके उसको पतला बना देते हैं, पतला कर देते हैं, जिससे हार्मफुल यूवी गैसेज आ जाती हैं, ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ओजोन लेयर डेप्लीशन, डेप्लीशिएशन कहा जाता है, डेप्लीएटिंग मतलब होता है पतला करना, ठीक है, चलिए, तो ये तो पहला केस था जब आपके जो हाइड्रोकार्बन्स थे वो कैसे थे, हाइड्रोकार्बन आपके संतृप्त थे, अब देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के लिए, इफ़ द रेफ्रिजरेंट इज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फिर उसके बाद अपन चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द रेफ्रिजरेंट पे, एंड आफ्टर दैट हम जाएंगे रेफ्रिजरेंट्स पे, If the refrigerant is unsaturated hydrocarbon or यदि शीतलक असंतृप्त hydrocarbon है मतलब कि जो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ कैसे डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, द्विबल और एकल बंध, त्रिबंध और द्विबंध बना रहे हैं, सॉरी द्विबंध और त्रिबंध बना रहे हैं, उनको क्या कहा जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। चलिए, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो उसमें आपको क्या होगा, पीछे से आगे जाना पड़ेगा, मतलब समझ रहे हो, अभी तक आप कहाँ पे पहुँच रहे थे, भाई फॉर्मूला तो दोनों के अंदर सेम ही है, ठीक है, फॉर्मूले के अंदर दोनों के अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आने वाले,
ठीक है, दोनों के अंदर फॉर्मूला सेम है, बस फॉरवर्ड से बैकवर्ड नहीं, बैकवर्ड से फॉरवर्ड जाना। जैसे फॉर्मूला तो वही है आर, यहाँ पे एक चीज डिफरेंस हो जाएगी, आर एक वन लगाना है आपको, उसके बाद एम माइनस वन, ठीक है, एन प्लस वन टू पी, और आगे बाकी सारी चीजें ये है एन प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू टू एम, प्लस टू को हटा दिया, ठीक है, और आगे आता है सी एम एच एन एफ पी सी एल क्यू। जैसे एग्जाम्पल देख लो इसका, एग्जाम्पल मान लिया आपको दे रखा सी टू एच फोर, ये दे रखा है, ठीक है, तो आपको पता पड़ेगा m की वैल्यू कितनी है 2 है, n की वैल्यू कितनी है 4 है, p की वैल्यू 0 दे रखी है, q की वैल्यू 0 दे रखी है, ठीक है बच्चों। तो अब इसको आपको यहाँ पे पुट करना है, तो r 1 तो लगेगा ही, m माइनस वन यानी 2 माइनस वन, n प्लस वन यानी कि ये क्या दे रखा है n था 4 प्लस वन, और p की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, ठीक है, और Q की वैल्यू तो अभी आपने निकाली नहीं, तो Q की वैल्यू भी चाहो तो निकाल लीजिए, वैसे Q की वैल्यू भी जीरो ही आएगी आप देखोगे तो, ठीक है, Q की वैल्यू भी कितनी आएगी जीरो, इस फॉर्मूले से तो निकालनी है, N की वैल्यू कितनी थी 4 थी, P की वैल्यू कितनी थी 0 थी, M की वैल्यू कितनी थी 2 थी, 2 इंटू 2 4, N उधर जाएगा 4 माइनस 4 0, Q की वैल्यू कितनी आई 0, तो अब इसको लिखो क्या आएगा R 1 2 माइनस 2 1 5 0, ठीक है, तो इस तरह से निकाला जाता है, और भी चाहो तो और भी किसी का देख लीजिए करके, कोई बड़ी बात नहीं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आप इस तरह से डेजिग्नेशन देंगे किसका, रेफ्रिजरेंट्स का, किसका, रेफ्रिजरेंट्स का इस तरह से डेजिग्नेट किया जाता है। और इसका एक और थर्ड केस होता है, व्हेन द रेफ्रिजरेंट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जब रेफ्रिजरेंट आपका क्या है एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो थर्ड केस है, अकार्बनिक यौगिक है। अभी तक तो सब कार्बनिक ही थे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। केस थ्री, यदि शीतलक एक अकार्बनिक यौगिक है, ठीक है, यानी कि इफ द रेफ्रिजरेंट इज ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऐसी कंडीशन में जो फॉर्मूला बनता है वो इस तरह से बनता है, आर 700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, जैसे मुझे अमोनिया दे दिया, अमोनिया के अंदर कार्बन आ रहा है क्या, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो रहा है 17, कितना है 17 है, 14 नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन 17, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आर 700 प्लस 17 जो हो जाएगा R 717, ठीक है, कितना गया R 717। इसी प्रकार आप देखना जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो 700 से ऊपर के ही होते हैं सारे। सेकंड आ रहा है आपका, मान लिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का कितना होता है भाई मॉलिक्यूलर वेट आपका 44 होता है, कैसे हो जाएगा भाई, ऑक्सीजन और कार्बन का मिला लो, ठीक है, ऑक्सीजन कितना 16 दुना 32 और इसका 6 दुना 12, हाँ तो 32 प्लस 12 कितना हुआ 44 हुआ, R 700 प्लस 44 R 744, ये क्या, अगर R 744 लिखा आ रहा है इसका मतलब CO2 है, R 717 आ रहा है इसका मतलब क्या है अमोनिया है। इसी तरह अब आता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो हमने वहाँ पे छोड़ा था, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का कितना होगा 64 होता है, तो ये हो जाएगा R 764, ये याद रखने हैं आप लोगों को, 4 आता है H2O यानी कि जो जल है आपका वाटर जो है, तो वाटर का कितना होता है 18 होता है, कैसे हुआ 16 प्लस 2 18, ठीक है, तो ये कितना हो गया R 718। सबसे इंपॉर्टेंट जो आ रहा है आपका R एयर का आ रहा है, हवा जो है, हवा का कितना होता है भैया 29, मॉलिक्यूलर वेट हवा का कितना है 29 होता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है R 729, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना, तो ये आपको याद रखने हैं जब आपके जो शीतलक हैं वो कैसे हैं एक अकार्बनिक यौगिक है, मतलब इनका कार्बन से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, अकार्बनिक यौगिक है, तो ये होता है। इसी प्रकार आपको सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट जो है, मॉलिक्यूलर वेट मतलब आणविक भार, क्या होगा आणविक भार, वो पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट यही होता है ना आणविक भार, तो अगर आपको आणविक भार पता है तो आप किसी का भी निकाल सकते हो। और आणविक भार कैसे निकालना होता है, एटम से निकालते हैं, आपको ध्यान हो तो पीरियोडिक टेबल से अपन बचपन में किया करते थे ये चीज़ें, हाइड्रोजन एक है तो 3 हो गया, नाइट्रोजन का 14 हो गया, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर वेट हमने पहले निकाले हुए हैं, बस आपको मॉलिक्यूलर वेट ही निकालना है। एयर सबसे इंपॉर्टेंट है,
एक तो एयर को याद रखना और एक जल को याद रखना, ये नहीं पूछेगा कोई भी, बहुत कम पूछते हैं, इन दोनों को पूछा जाएगा R718 कौन से रेफ्रिजरेंट का नाम है, तो वाटर। R718 कौन सा है? वाटर है, बस बात खत्म। R729 एयर है, ठीक है, तो इस तरह से पूछे जाते हैं। अब हम चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द रेफ्रिजरेंट पे। प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट, यानी कि शीतलक के गुणधर्म। तो किसी भी शीतलक के गुणधर्म क्यों जरूरी है जानना, ताकि आप चूज कर सकें आपको अपने रेफ्रिजरेशन प्रणाली के लिए, रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए कौन सा शीतलक चाहिए। तो तीन प्रकार के गुण होते हैं और उन तीनों गुणों को देखना पड़ता है। कौन कौन से गुण होते हैं वो, एक तो होता है आपका थर्मोडायनेमिक गुण, यानी कि ऊष्मा गति की प्रॉपर्टीज जो होती हैं, गुण ऊष्मा गति की ये गुण, ठीक है। एक होता है भौतिक गुण और एक होता है रासायनिक गुण। तो तीन प्रकार के गुण हैं या प्रॉपर्टीज हैं, ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, बी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज, और सी है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ब्रैकेट में लिखते चलिए, ऊष्मा गति की ये गुण, रासायनिक गुण और भौतिक गुण, ये चीजें आप लिखते चलिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। भाई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या है, कि भाई किसी रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ाने पे अथवा कम करने पे या तापमान संबंधित कोई भी बदलाव करने पर उस रेफ्रिजरेंट के गुणों के अंदर आने वाले परिवर्तन किस प्रकार के हैं, वो किस प्रकार आपको रिस्पॉन्स करेगा। आपने उसको उबालना चाहा तो वो कितने डिग्री पॉइंट पर उबलेगा, आपने उसको जमाना चाहा तो वो कितने डिग्री पॉइंट पर जाके जमेगा, ठीक है। तो ये क्या होगी, थर्मोडायनेमिक, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, फिर क्रांतिक तापमान यानी कि क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर हो गया। क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर पता है ना क्या होता है, बताई हुई चीज़ें क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, फर्स्ट क्लास के अंदर ही बताया था जब मैं बेसिक रेफ्रिजरेशन प्रणाली समझा रहा था आप लोगों को, तब बताया था मैंने। इसके अलावा उसकी गुप्त ऊष्मा हो गई या स्पेसिफिक हीट हो गई, स्पेसिफिक हीट होगी, विशिष्ट ऊष्मा हो गई, तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। तो हम प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। तो सबसे पहली बात आती है कि क्रिटिकल टेम्परेचर किसी भी रेफ्रिजरेंट का कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है, चलिए पहले उसकी बात कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले व बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। theory2practical.com जो आपको प्रोवाइड कराता है मोस्ट पावरफुल स्टडी मटेरियल फॉर योर मोस्ट पावरफुल प्रिपरेशन।